వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి మండలం రంగాపూర్లోని ఫ్లైఫుడ్ కంపెనీలో దారుణం జరిగింది. కంపెనీలో పనిచేసే వలస కూలీలను సూపర్వైజర్ చితకబాదాడు. తమకు రావాల్సిన కూలీ డబ్బులు ఇస్తే స్వస్థలాలకు వెళ్తామని అన్నందుకు సూపర్వైజర్ అమానుషానికి దిగాడు. ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వారిపై దాడి చేశాడు. సూపర్వైజర్ దాడిలో కొందరు కూలీలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. पूरे आदमी 40 आदमी मिल कर मारे और हम लोग खाली परमिशन के लिए परवी में आया घर जाने के लिए था. वही बोले घर क्यों नहीं गए, घर क्यों जा रहे, तुमको कोई नहीं है, हमको बाल बच्चा दो बच्चा है, बीवी है, हमारा माँ नहीं है, कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे हम. खुराकी फुराकी सब अपना लग रहा है, एक महीना काम किए दो महीना बैठ के खाए, 1000 रुपया पड़ा है वो भी खा जाएंगे, हम जाएँगे फिर कैसे. इसलिए परमिशन के लिए आया तो बस जाते कंपनी के अंदर भी नहीं गया, बाहर में मार कर दिया और लगने मारे. कौन मारे? और शिवम का आदमी पूरा 40 आदमी मिल के मारा. रिशु ज्यादा मारा है और रिंकू और रिशु और ठेकेदार खड़ा होकर मरवाया है. क्या काम करता है उन लोग? ये वो लोग उधरी में काम करते है, कोई केमिकल में करता है, एक हेल्पर करता है. हम और ठेकेदार खड़ा है. जब पूरा जब आदमी मार लग गया ना तब ठेकेदार आ रहा है, खड़ा है मरवा रहा है खड़ा होकर.